नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक महात्म्य का 12वां और 13वां अध्याय। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पिछला अध्याय हमने पढ़ा, थोड़ा सा कंटिन्यूज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो जलंधर है, जो वृंदा का पति था, जलंधर और देवताओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हमने पढ़ा था। तो जलंधर से युद्ध किया तो जो देवता हैं वो डर के मारे किसी गुफा में जाकर छिप गए थे। तो फिर उसके आगे का है 12वां अध्याय, वो शुरू करते हैं। सुख भोगे जो कथा सुने सहित विश्वास, 12वां अध्याय लिखे वशिष्ठ यह दास। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वदा प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंह नाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। तो ये था 12वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। तो अब सुनाती हूँ 13वां अध्याय। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री प्रभु शरण में जाए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत होता देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, इससे पूरा त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महासंग्राम हुआ, बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी।
परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर भौं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुम्हें दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो अनेक रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके राज्य में सभी सुखी थे। तो ये था 12वां और 13वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।